हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, भारतीय सेना से क्यों डरती है दुनिया। अरे वाह, इंडियन आर्मी ने कैसे उड़ाया चीन का होश। चल देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सुई लगाएंगे, चिल्लाएंगे तो चुप, चट्टा काम का। सुई लगा रहे तो दर्द नहीं होगा, मजा आएगा तोरा, मरेंगे एक जन। थैंक गॉड मेरे डॉक्टर ने आज नहीं कभी बोला। ब्लड में दर्द नहीं होता मगर चुभाए तो यस। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसलिए जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा युद्ध नहीं हो सकता। याद रखियो, कितनों भी करना है फाइनली डिसीजन युद्ध का कौन देगा? राष्ट्रपति। सारा डिसीजन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब ले लेंगे, फाइनल साइन किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। अब फोन उठाएंगे राष्ट्रपति, किसको बोलेंगे? सीडीएस, इट्स माय ऑर्डर टू अटैक ऑन चाइना, फुल फ्लेज्ड वार। उसके बाद इतना ऑर्डर मिलने दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा क्या होता है। गलवान घाटी में जब दो सैनिक, दो रेजिमेंट के सैनिक, सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट, आइए हम लोग का जो कोर कमांडर थे वहां पर, अपना सरदार जी थे कोर कमांडर वहां पर, कोर कमांडर कंपनी कोर बहुत बड़ा होता है, लगभग 60,000 फौज आती है उसके अंडर, लद्दाख में खड़े थे उनके पास ना, बताइए कोर कमांडर आर्मी का था तो क्या उसके अंडर में नेवी है, एयरफोर्स है, उसके अंडर में केवल क्या आर्मी। जो चाइना का कोर कमांडर था, तो चाइना में तीनों एक ही के पास होता है, जो चाइना का कोर कमांडर था उसके पास 60,000 की क्या थी आर्मी, 10,000 की नेवी, लगभग वही 1,000-1,200 के पास में एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स में तो जहाज ज्यादा होते ना वहां सब उसके पास, फिर भी वो नहीं टिक पाया। एक साल में 9 बार अलग अलग लोगों का ट्रांसफर किया गया। इधर एगो सरदार जी खड़ा है, 1,25,000 एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना फर्क होता है दोनों सेनाओं में। दूसरी बात, भारत की सेना बहादुरी से लड़ती है क्योंकि वह देश की सेना है, भारत की सेना देश की सेना, लेकिन चाइना की कोई अपनी सेना नहीं है। चाइना में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है वो, समझ गया? आप ऐसे नहीं समझेंगे, कम आप कहेंगे ये क्या बात हुआ। एक बात बताइए, भारत में राजनीतिक पार्टी है मेनली दो पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी। सपोज कीजिए कि भारत में ऐसा लिख दिया जाए कि जिस पार्टी की सरकार है सेना उसी पार्टी की रहेगी। आज हमारी सेना इंडियन आर्मी कहलाती है, अगर इसी इंडियन आर्मी को कह दीजिए बीजेपी आर्मी है, उसका आधा पावर वैसे ही खत्म हो जाएगा। किसी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं उनके वहां पे एक ही पार्टी है। चाइना में यही होता है, चाइना के सेना नहीं है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। हमारे यहाँ सेना का प्रमुख कौन रहेगा? राष्ट्रपति। वहां सेना का प्रमुख वही रहेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष है, जैसे अभी कौन है, जिनपिंग वहां पे। तो उसकी आर्मी किसके लिए लड़ती है? पार्टी के लिए, देश बाद में। हमारे यहाँ पार्टी बाहर में जाओ, सब जाते नहीं, नौटंकी मत करियो यार, तू कोनो पार्टी का हो तू, देंगे हम तुमको। यहाँ जाइए ना पटना, दानापुर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। पटना के पास लाइव वाले जो लोग होंगे यहाँ पे समझेंगे, पटना दानापुर में अगर वहां आप हॉर्न बजा दिए, बड़ी मार मारता है। एक आदमी गाना बजा रहा था अंदर, वहां भाड़ा की गाड़ी थी और गाना बजा रहा था अंदर, कोनो कोनो नहीं, नया नया गाना आता, गाना बजा रहा था। अब आप ड्यूटी कर रहे थे सड़किया पे, कौन आर्मी वाले सुन लिया, उधर इधर ड्राइवर को लेके आया, निकल तुम यहाँ पे, गाना बंद कर, अंदर गाने भी नहीं लगा सकते, गाना कहे बजा रहा था, करेगी भाड़ा पे गाड़ी चलाते, बारात वाला बुक किया है सब, यही कहा से तो बजा दी, बोला कला कौन था उसको लाया, ड्राइवर से कहा कि सुन इसको एक तमाचा मार। कहा कि हम कैसे मारेंगे, इकरा से तो हम पैसा लिए हैं। तो ड्राइवर को एक तमाचा मारा है, हम नहीं मारेगा, तो अब ड्राइवर उसको रख दिया एक तमाचा 50। कहा फिर बोलेगा गाना बजाने के लिए, कहा इन्ना सा, कहेगा अब तुम एक तमाचा ड्राइवर को मार। मेरी बात को सुन, एक तमाचा किसको मारता है? ड्राइवर। और फिर अपने एक और तमाचा दे के भेजा, कहा तुमको नहीं समझ में आता है कंटोनमेंट एरिया है, सेना का है, जाओ लोग। इतना होशियार था, पीटबो किया तो अंदर ले आके, गाड़ी में महिला वहिला बैठी थी सब वहां पे, फैमिली वगैरह, तो अपनी फैमिली के आगे किसी को पीट देंगे बेइज्जती होगा ना, चला गया वहां पे, पूछे लोग कि क्या बोला है, तो कहा समझा के भेज दिया है। हम उस समय, हमारी पहली एक गाड़ी थी वरना, कार जो थी ना वरना, हम गलती से ना खुदे ड्राइव करके चले गए थे, वो तो किस्मत ठीक ठाक था, हमारा बंद हो गया वहीं पे, गड़िया बंद हो गया वहां पे, तो कि भाई साइड उठ कर, उस समय हम
हमको मतलब बहुत 3-4 साल पहले की बात है, हमको कोई खास नहीं जानते थे, पटने भर के लोग जानते थे। देखिए कि भाई ठीक ठाक नियम है, आर्मी का नियम इतना खतरनाक होता है ना कि जो ड्राइवर उस रूट से पिटा गया वो फिर बीहटा होके जाता है, दानापुर होके नहीं जाता है, वो रास्ते बदल देता है, वहां से टी पॉइंट आता है, कंटोन छावनी होके जाएंगे, बीहटा होके जाएंगे, अरे भाग इधर से जाओ। वहां गाड़ी अगर धीरे चल रही तो धीरे ही चलिए, आप किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। आगे ट्रैक्टर है ना तो 3 किलोमीटर तक ऐसे ही धुकुर धुकुर चलते रहिए, खाली भी है आप ओवरटेक नहीं कर सकते, कर लिए तो हर 100 मीटर पे खड़ा रहेगा कि पुलिस फौजी सीटी मारेगा, इसे अगला पकड़ लेगा। अब तुम 2 करोड़ के तुम जगुआर में घूम रहे हो ना, निकाल के धो देगा बाहर है आप। खतरनाक नियम होता है आर्मी वालों का एकदम, उन लोग का नियम बहुत जबरदस्त होता है सर, उंगली छप गया होगा उसको। अरे तुम उंगली की बात करो, शेरी ब्रह्म शेरी बेलम मॉडुला ब्लॉन्गा का सब हिल गया होगा, खोपड़ी वगैरह समझ आ गया कि नहीं, हेलमेट पहन। सर दानापुर ऐसा क्या है, दानापुर में सेना रहती है, छावनी है, सेना का एरिया है, तो जहां आपको पढ़ा चुके हैं मूल अधिकार में, सैन्य क्षेत्र में किसका शासन चलेंगे, सेना का ही कानून चलता है। तो अगर सेना की न्यायालय ने किसी को सजा सुना दिया है तो सजा को कौन माफ कर सकते हैं, राष्ट्र, क्योंकि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सेना में जो जज होता है कर्नल रैंक का होता है, जज भी कैसा रहेगा, कर्नल, उसका भी रैंक क्या रहेगा, ब्रिगेडियर। सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट, सेना का भी अपना सुप्रीम है वहां पे, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल बैठेगा, वहां डॉक्टर भी रहेगा तो वैसे ही रहेगा, सीनियर डॉक्टर कर्नल, उससे भी ज्यादा सीनियर ब्रिगेडियर, पूरा हेड रहेगा मेजर जनरल, इस टाइप का। वहां नर्स भी ऐसे रहेंगे सर, सुबेदार सुबेदार मेजर इस टाइप के रहेंगे सर, ये सब नहीं, सिस्टर सुई मारो, सिस्टर सुई मारो, ऐसा कुछ नहीं रहते वहां, ठीक रहता है ना लड़की सब में। हालांकि सिस्टर की ये लड़की ही ठीक रहती है सब, उन सब में दया की भावना ज्यादा रहती है, मरीज के तकलीफ को समझती है सब, इंजेक्शन लगाना रहेगा मरीज को, दर्द होगा तो आराम से बेचारी कहेगी थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, लगा देते हैं आराम से, और उसके जगह एकदम पुरुष को भर्ती कर देंगे, सुई लगाएंगे चिल्लाएंगे तो कहे चुप चट्टा कहेंगे, सुई लगा रहे तो दर्द नहीं होगा, मजा आएगा तोरा, मरेंगे एकदम, मरीज बेचारा अपने पगला जाएगा। महिला सभी सब में थोड़ा सा रहती है सर, और पुरुष इस मामले में ठीक नहीं रहता, डॉक्टर में ठीक रहता पुरुष वहां पे। मजेदार था, और जो बताया कि आर्मी के वहां पे ऑब्वियसली जो रूल्स है तुम्हें फॉलो करने हैं, अगर तुमने नहीं किए तो तुम्हारी तो बुरी हालत होगी, उन्होंने तो बस डांट मार मूर के एक छोटा सा थप्पड़ मरवा के भेज दिया टू टीच अ लेसन, पर अगर कोई मेजर तुम कुछ रूल ब्रेक कर दो तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी बड़े मेजर हो सकते हैं। स्पीड लिमिट लिखी है उस स्पीड लिमिट में जाइए, अगर लिखा है नो ओवरटेकिंग तो ओवरटेक मत करिए। नॉर्मली ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिया था उन्होंने ट्रैक्टर टुक्टर का, तो नॉर्मली यहाँ पे तो रूल है ट्रैक्टर टुक्टर बेचारा धीरे धीरे साइड में आता है और से हाथ करके बोलते हैं जाओ जाओ, तो लोग चले जाते हैं, ओवरटेक नहीं कर सकते, चाहे वो हाथ भी करे तो भी उस एरिया में डिपेंड करता है, अगर लिखा ओवरटेक अलाउड नहीं है तो नहीं अलाउड है, पीछे बैठ। अच्छा बता रहे डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन है काफी डिसिप्लिन, तभी मिलिट्री चलती है, तभी तो हमारी मिलिट्री सबसे बेस्ट है, चेन ऑफ कमांड तभी चलती है कि डिसिप्लिन है, वरना चेन ऑफ कमांड कैसे, ऊपर से किसी ने बोल दिया ये करना है तो एक से नीचे आते आते वो करेगा, अगर इस तरह से किसी ने नहीं किया तो पूरी की पूरी वॉर स्ट्रेटजी खराब हो जाएगी। आपको अपने सीनियर का बात सुननी होगी, जो सीनियर बोलता है वो करना ही है, बिना सोचे समझे वो ऑर्डर फॉलो करना ही होता है वहां पे, तो वही है भाई कि तभी तो हमारी मिलिट्री इज द बेस्ट, इसलिए सोल्जर की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है तभी तो, पर वो तभी तो अपने मतलब रूल्स को फॉलो करना और उस टाइप से बड़े ट्रेंड होते हैं, आम इंसान जो है उनको देख के हैरान रह जाएगा कि उनकी लाइफ जब देखोगे किस तरह की उनकी लाइफ होती है। कमाल था, मज़ा आ गया सुनने में। इससे मुझे एक चीज़ पता चली है, आगे से इंजेक्शंस लगाने जब मैं जाऊँगी मेक श्योर करूँगी कि आदमी नहीं हो पास, क्योंकि मेरे मैं वैसे यहाँ पे नॉर्मली आदमी होते भी नहीं है, क्यों, जब हमने वो लगवाई थी कोविड की तब कोई था, वो तो बहुत अच्छा था, और मेरे ख्याल से वो इंडियन ही था शायद, है ना, मिलिट्री वाले लोग थे, नहीं इस वाले नहीं जो अभी हमने लास्ट वाली लगवाई, वहाँ पे इंडियन था, बड़ा प्यारा, बड़ा ही प्यारा था वो, तो बहुत उसने मुझे अच्छा किया, मुझे तो इतना प्यार से किया था, डर रहे हो कोई बात नहीं, इट्स नॉट गोना पेन, और लगाने के बाद पेन तो नहीं हुआ, सो नाइस उस टाइप से, उसने लगाई भी बहुत अच्छी थी, पेन भी नहीं हुआ था। मैंने तो कई बार देखा लड़कियां जब लगाती हैं वो तो इतना दर्द करती है, उनको तो मिलता नहीं, फिर यूं घुमा रही होती है नीडल को, ऐसी भी देखी है मैंने। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।